फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्न हब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी सिन्हा जी के बुक से, एक्सरसाइज 11.2 से। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। तो चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में है, इफ़ वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो हम लोगों को प्रूफ करना है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स वो जीरो के इक्वल होगा। तो इसमें हम लोगों को कुछ फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, इसको कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू के इक्वल होता है। उसके बाद फिर कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है सेक इनवर्स वन बाय एक्स, या तो आप इसको ही सेक इनवर्स एक्स को कर सकते हैं, ये इक्वल होता है कॉस इनवर्स वन बाय एक्स के। तो चलिए इन सब का प्रॉपर्टी का यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू इतना। तो इसको हम लोग पहले इस फॉर्मूला पे लाने का कोशिश करते हैं, चूँकि ये एक सेक में है तो इसको कॉस में चेंज कर लेंगे, और कॉस में हम लोग इस फॉर्मूला से चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, इस सेक को जब कॉस में चेंज करेंगे तो सेक को कॉस में इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे, मतलब ये जो है इसको हम लोग डिवाइड में कर देंगे। तो कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन आ जाएगा, प्लस उसके बाद ये साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसके बाद वाई इज इक्वल टू इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये चूँकि डिवाइड का डिवाइड में तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब देखिए ये वैल्यू इक्वल हो गया, और ये कॉस इनवर्स है और ये साइन इनवर्स है। तो ये वैल्यू इक्वल और ये कॉस इनवर्स साइन इनवर्स रहता है एडिशन में, तो ये पाई बाय टू के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये वाई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय टू, और हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट जब कर लेंगे डी वाई बाय डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा जीरो, चूँकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है और कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है जीरो, जो कि हम लोगों को प्रूव करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हम लोगों को ये डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना था, हो गया प्रूव। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रोमन 4 में है, इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन इंटू टू टेन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, देन सो दैट डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो इसके लिए चलिए हम लोग इसको फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो x का वैल्यू है इसको पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। जब x इज कॉस थीटा पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू हम लोगों को आ जाएगा कॉस इनवर्स x। तो चलिए देखते हैं क्या आता है इसको सॉल्यूशन करने पे। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन टू टेन इनवर्स और ये रूट अंडर वन माइनस, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। उसके बाद तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू साइन टू टेन इनवर्स, यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला आप लोगों को याद होगा, वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। उसके बाद वन प्लस कॉस थीटा बाय टू इज इक्वल टू होता है, उसके बाद वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाय टू और कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ये हो जाएगा हम लोगों को टेन का इक्वल। तो ये हो गया टू टेन इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। फिर ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू साइन
टू टेन इनवर्स, ये रूट है और यहाँ अंदर में स्क्वायर है, तो यहाँ से सिर्फ टेन थीटा बाय टू बाहर आएगा। अब यहाँ से टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू, तो इन दोनों से हम लोगों को क्या बाहर आएगा, सिर्फ थीटा बाय टू, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू साइन टू, और यहाँ से सिर्फ ये बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा थीटा बाय टू। अब इसके बाद ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोगों को आ जाएगा वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन कॉस इनवर्स एक्स। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये इससे पता चल रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो यहाँ से हम लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो ये हो गया कॉस, और उसके बाद जैसे ये साइन एक्स रहता है तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये इसको हम लोग किसके बराबर लिखते हैं, कॉस एक्स के बराबर, मतलब यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स लिखें, लेकिन यहाँ पे साइन कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा फिर कॉस इनवर्स एक्स। अब क्योंकि इसके बाद जब x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं तो डी एक्स बाई डी एक्स आ जाता है, तो ये 1 के इक्वल हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, सिर्फ cos x ही आता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है x सिर्फ नहीं है, तो cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा, फिर ये वो फार्मूला हम लोग लगाएंगे cos इंटू cos इनवर्स x है, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x, और माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद ये अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों को प्रूव करना था, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना, ये हो गया प्रूव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, और फाइंड हम लोगों को करना है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए यहाँ पहले हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ये साइन इनवर्स, एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा वन अपॉन, ये रूट अंडर में है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अब इसके बाद ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस टेन इनवर्स, यहाँ पर फिर ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू हो गया ये साइन इनवर्स वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन इनवर्स, ये फिर हो जाएगा सेक सिर्फ, तो ये हो गया सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू यस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा प्लस टेन इनवर्स, ये हो जाएगा सेक थीटा बाय टेन थीटा माइनस वन बाय टेन थीटा। इसको हम लोग साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस टेन इनवर्स, सेक को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाय कॉस थीटा, और इस टेन को चेंज करेंगे तो चूंकि ये डिवाइड में है तो फिर आगे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा,
माइनस वन, ये फिर हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि ये डिवाइड में इसीलिए ये कॉस ऊपर चले गया, तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ बचेगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस टेन वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, उसके बाद इस साइन थीटा को लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। अब यहाँ से ये टू टू कैंसिल हो गया, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाय टू है, यहाँ साइन थीटा बाय टू, तो एक साइन थीटा बाय टू कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को सिर्फ बचेगा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस टेन इनवर्स, और ये साइन थीटा बाय टू बाय कॉस थीटा बाय टू, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाय टू, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू, तो यहाँ सिर्फ थीटा बाय टू आ जाएगा हम लोगों को। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, इस कॉस थीटा को भी साइन में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया प्लस थीटा बाय टू, ये थीटा है। दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ये साइन फिर साइन, तो यहाँ सिर्फ इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा प्लस थीटा बाय टू, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू और ये माइनस थीटा बाय टू। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे थीटा का वैल्यू पुट करके, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करेंगे टेन इनवर्स x अपॉन टू, इसको जब हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो और ये हो जाएगा माइनस, और ये बाय टू है ये कॉन्स्टेंट, तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हम लोगों को आ गया माइनस वन बाय टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प मिल सके। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए, इससे क्या होगा कि जब कभी भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।